go to John. Look up at the stars. वेलकम बैक रॉकर्स, आज हम देखेंगे द एक्ट सीरीज का फोर्थ और आखिरी पार्ट। पिछले पार्ट में जिप्सी और निक को अरेस्ट किया गया था। इस पार्ट की शुरुआत 1997 में लुजियाना में होती है, जहां डीडी अपनी 6 साल की बेटी जिप्सी के साथ बाहर लॉन पर लेटी हुई है। इमा की मौत के बाद दोनों बेघर हो गई है, क्योंकि डीडी के पास इमा का घर खरीदने के पैसे भी नहीं थे। दोनों अपने लगत के साथ तारों के नीचे लेटी भी होती है। माँ और बेटी एक दूसरे से वादा करती हैं कि हम हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगी। 2015 में निक और जिप्सी को बताया जाता है कि अगर उनका गुनाह साबित हो गया तो दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगेगा और उन्हें उम्र कैद या मौत की सजा होगी। अब जज जिप्सी से पूछते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहना चाहती है। जिप्सी गिड़गिड़ाकर खड़ी होती है और कहती है, मैं गुनहगार नहीं हूं। मैं अपनी माँ का खून करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर जज सुनवाई को स्थगित कर देते हैं। अब जिप्सी अकेले में अपने लॉयर से पूछती है, क्या सच में मुझे मौत की सजा दी जाएगी? लॉयर बताती है कि सबको तो यही लगता है कि तुमने बेरहमी से अपनी माँ का खून करवाया है। जिप्सी फिर से कहती है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनका खून करने की मैं कभी सोच भी नहीं सकती। लॉयर कहती है कि इस घिसे पिटे स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी तरफ से इस कहानी को बदलना होगा ताकि आम लोगों को तुम पर दया आए और वे तुम्हें सपोर्ट करें। वे जिप्सी के मेडिकल रिकॉर्ड्स को मांगती है, जिससे वे प्रूफ कर सकें कि जिप्सी की मेडिकल कंडीशन के बारे में डीडी उससे झूठ पे झूठ बोल रही थी और बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसे न जाने क्या क्या दवाइयां दे रही थी। अब लॉयर कहती है कि इस दिशा में आर्ग्यू करके हम एक केस जीत सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि डीडी ने जबरदस्ती जिप्सी से पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए थे, जिसकी वजह से जिप्सी उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसे अपने पापा की मदद लेनी होगी। अब लॉयर उसको अपने पापा को कॉल करने को कहती है, लेकिन जिप्सी इनकार करते हुए कहती है कि वो मेरी जिंदगी में कभी थी ही नहीं, कई मुश्किलों के बीच मेरी माँ ने मुझे पाला है। अगले सीन में प्रिजन डॉक्टर जिप्सी को एग्जामिन करती है। फिर मौका पाकर जिप्सी अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को पाने के लिए डॉक्टर से मदद मांगती है, लेकिन डॉक्टर कड़ा जवाब देती है कि तुम तो सिर्फ बीमारी का ढोंग कर रही थी ना, तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी तो नकली होंगे, मुझे और भी पेशेंट्स को देख रहे हैं जिन्हें सच में बुरी बीमारियां हैं। फिर वो जिप्सी का फीडिंग ट्यूब निकाल कर कहती है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अब जिप्सी विनती करती है कि आप प्लीज उस ट्यूब को सुरक्षित रखिए, क्योंकि वो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती रहती है। लेकिन डॉक्टर उसको कचरे में फेंक देती है और कहती है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जेल में जिप्सी की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कोई उससे बात भी नहीं करता। वो अकेले खड़ी रहती है और अकेले बिस्तर पर पड़ी होती है। जब जेल की फीमेल इनमेट सेल से बाहर जा रही होती है तो निक जिप्सी को देखता है। वो जिप्सी से कहता है, हम दोनों यहीं एक साथ जिएंगे और यहीं मरेंगे। ये सुनकर जिप्सी को उससे बहुत चिढ़न होने लग जाती है। बाद में जिप्सी लाइन में खड़ी होकर जेल के फोन से लैसी को कॉल करती है, लेकिन जिप्सी और डीडी की सच्चाई जानकर लैसी उससे बात भी नहीं करना चाहती। अब जिप्सी समझ जाती है कि मीडिया उसके बारे में गलत खबर फैला रही है। वो लैसी से विनती करती है कि प्लीज तुम मुझसे मिलने आ जाओ और हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन लैसी पूछती है कि क्या तुम इतने साल से चल फिर सकती थी। इस पर जिप्सी एकदम फ्रीज हो जाती है और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन लैसी काम का बहाना करके कॉल काट देती है। अब बेबस होकर जिप्सी अपने पापा रॉड को कॉल करती है और कहती है, आप मुझे ठीक से जानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज मुझे मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स ला कर दीजिए। वहाँ मैन और दूसरे पड़ोसी डीडी और जिप्सी को कोसते हैं कि माँ और बेटी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। बीमारी का बहाना करके दोनों हमें बेवकूफ बनाती गई। पर लैसी बताती है कि उनकी हरकतों के पीछे कोई ना कोई राज तो छुपा हुआ है। जब वो मेल को जिप्सी के कॉल के बारे में बताती है तो मेल को और गुस्सा आ जाता है। जिप्सी को बताया जाता है कि कोई उससे मिलने आया है। उसे लगता है कि लैसी आई होगी, लेकिन वेटिंग रूम में उसके पापा मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं और फिर रॉड जिप्सी को उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देता है। रॉड बताता है कि तुम्हारी माँ ने कई बार डॉक्टर से झूठ बोला कि तुम्हें कई सारी बीमारियां हैं। अब जिप्सी रियलाइज करती है कि उसकी माँ उसे कभी कुछ बोलने नहीं देती थी और खुद ही उसके सारे फैसले लेती थी। रॉड बताता है कि ऐसा करके उसने तुम्हें अपना बंदी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन जिप्सी कहती है, वो आपकी तरह मुझे छोड़कर तो चली नहीं गई थी ना, वो हमेशा मुझसे प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रॉड बताता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं 17 साल का था, उस उम्र में मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कई बार तुमसे मिलने भी आया था, लेकिन हर बार तुम्हारी माँ कोई बहाना करके मुझे तुमसे दूर करती रहती थी। अब वो ये कह तो रहा होता है, लेकिन जिप्सी उसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहती है और कहती है, आप और कोशिश कर सकते थे। रॉड अपने हिस्से की सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि हर महीने मैं तुम्हारी माँ के नाम से चेक भेजता था, लेकिन वो तुम्हें लेकर नई नई जगहों पर शिफ्ट होती रहती थी ताकि मैं तुमसे न मिल पाऊँ। जिप्सी जानती है कि उसकी माँ बड़े बड़े झूठ बोल चुकी है, लेकिन फिर भी वो रॉड के मुंह से उसके बारे में बुरा नहीं सुनना चाहती है। वो मेडिकल रिकॉर्ड्स को लेकर जाने लगती है, लेकिन रॉड उसको रोकता है और उसके बचपन की फोटोज दिखाता है जिसमें जिप्सी और रॉड साथ साथ होते हैं। वो जिप्सी को कन्विंस करता है कि जब तुम पैदा हुई थी तब से मैं तुम्हारे साथ ही था। फिर वो स्पेशल ओलंपिक की एक फोटो दिखाता है जिसमें रॉड और जिप्सी साथ होते हैं। तब जिप्सी 8 साल की थी।
जिप्सी को याद आता है कि उसकी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि स्पेशल ओलंपिक्स के लिए मैंने तुम्हारे पापा को बुलाया था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अब जिप्सी को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं बोला। वो टूट कर रोने लग जाती है। रॉड उसको दिलासा देता है और उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है। फिर निक और जिप्सी के लिए प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। जिप्सी देखती है कि ऑडियंस में उसके पापा बैठे हैं। जिप्सी के लॉयर उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को एविडेंस के तौर पर पेश करती है और कहती है जिप्सी की माँ अपने बेटे की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही थी, यहाँ तक कि उसे बिना कंसल्टेशन और प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी ऐसी कई बीमारियों की दवा दी जा रही थी जो जिप्सी को कभी थी नहीं। उसने अपनी बेटी को अपनी कठपुतली बनाकर इमोशनली लॉक करके रखा हुआ था और इन मेडिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर अब जिप्सी का केस निक के केस से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि जिन बदतर हालात में जिप्सी ने जुर्म किया है वो निक के हालात से बिल्कुल अलग है। अब केस बड़ा ही अजीब मोड़ ले लेता है और निक बहुत घबरा जाता है और रोते हुए कहता है मैंने सिर्फ जिप्सी के लिए ये सब किया था। कॉन्फ्रेंस के बाद जिप्सी लॉयर से पूछती है कि मेरी हालत अलग थी तो क्या मुझे मौत की सजा नहीं मिलेगी। अब लॉयर समझाती है कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना होगा, तब जाकर तुम्हें उम्र कैद होगी जो बाद में कम की जा सकती है। इसी बीच मेल और लेसी टीवी पर जिप्सी के केस को फॉलो कर रही होती है। मेल गुस्से में टीवी ऑफ कर देती है और उन दोनों को नाटकबाज कहकर कोसती रहती है, पर लेसी खुद को दोषी मानती है और मेल को बताती है कि सारी गलती मेरी थी। मैंने जिप्सी को डेटिंग वेबसाइट दिखाई थी जिसके जरिए वो निक से मिली। जिप्सी कई बार मुझसे अपनी और अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ शेयर करती थी, लेकिन वो बातें इतनी अजीब थी कि मुझे लगा वो ये सब कुछ उसकी कल्पना से कह रही है। अगर मैं उसकी बातें और ध्यान से सुनती तो शायद आज वो इस हद तक नहीं जाती। तभी जिप्सी जेल से फिर उसे कॉल करती है, लेकिन लेसी उसको इग्नोर कर देती है। बाद में मैल लेसी से कहती है तुम्हें जिप्सी से बात कर लेनी चाहिए। पहले तो लेसी हिचकी जाती है, लेकिन मैल कहती है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो तभी सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन लेसी के बजाय मैल जेल में जाकर जिप्सी से मिलती है। वो जिप्सी से पूछती है तुम्हें कब पता चला कि तुम व्हीलचेयर के बिना चल सकती हो। जिप्सी पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम बन सकती हैं। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बड़ी होने नहीं दिया, हमेशा मुझे बच्ची बनाकर अपने साथ ही रखना चाहती थी। क्या आप मेरी घुटन समझ सकती हैं। लेकिन मैल के चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वो डीडी और जिप्सी को हमेशा धोखेबाज ही मानेगी और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो कहती है कि अब तो तुम अपनी माँ की छोटी बच्ची नहीं हो ना, अपने फैसले खुद कर सकती हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। जब मैल चले जाती है तो जिप्सी बहुत रोती है, क्योंकि अब सभी उससे नफरत करने लगे हैं। अगले सीन में कत्ल की रात को दिखाते हैं। जिप्सी निक को टेक्स्ट करती है कि यहाँ आते मुझे टेक्स्ट करना और ग्लव्स पहन कर आना। फिर वो अपनी माँ के साथ लेट जाती है। दोनों 1997 की उस रात को याद करती हैं जब दोनों बेघर थी और तारों के नीचे लेटी हुई थी। दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वे एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अब जिप्सी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ की ये आखिरी रात है। जब डीडी गहरी नींद में होती है तो जिप्सी उठकर जल्दी से अपना सूटकेस पैक करती है। तब निक बाहर दरवाजे पर आता है और दरवाजा खोलने से पहले जिप्सी मर्डर वेपन तैयार रखती है। फिर वो दबे पैर हॉल से होकर जाती है और निक से कहती है कि कोई आवाज मत करना। फिर वो निक को चाकू देती है और उसे डीडी के कमरे में लेके जाती है। अपनी माँ को कत्ल होते हुए देखने की हिम्मत उसमें नहीं होती, इसलिए वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी माँ दर्द के मारे चीखने लगती है तो जिप्सी कांपने लग जाती है। उससे अपनी माँ की वेदना भरी चिल्लाहट सही नहीं जाती। वो अपने कान दबाकर बंद कर लेती है और बाथरूम के अंदर यहाँ वहाँ चलने लग जाती है। लेकिन जब उसकी माँ की आखिरी और कमजोर चीख सुनाई पड़ती है तो वो जमीन पर बैठ जाती है। उसका पूरा शरीर एकदम हिलने लग जाता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद निक बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। अब डीडी का खून करने के बाद निक भी कांप रहा होता है। उसकी गर्दन पर और चाकू पर बहुत खून लगा होता है। जिप्सी तुरंत चाकू ले लेती है और उसने अपने ग्लव्स नहीं पहने होते हैं। वो कांपती हुई चाकू को धोने लगती है। निक के हाथ पर एक बड़ा सा कट होता है। वो निक के ग्लव्स उतारकर उसके घाव पर बैंडेज लगाती है और वेट पाइप से निक पर लगा खून साफ करती है। फिर दोनों जिप्सी के कमरे की ओर जाते हैं, लेकिन अपनी माँ की लाश को देखकर वो वहीं रुक जाती है। निक कहता है कि डरो मत, मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। दोनों को विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। पर जिप्सी उसे किस करती है और कहती है ये वो हैप्पी एंडिंग्स है जो मैं हमेशा चाहती थी। फिर जिप्सी के कमरे में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में जिप्सी मेकअप लगाकर तैयार होने लग जाती है और निक अपने कपड़ों पर लगा खून साफ करता है। फिर वो टैक्सी बुलाते हैं और अपने पैड पिक को बाहर छोड़ देती है। अपनी चीजें पैक करके वो अपनी नाने की अंगूठी पहन लेती है। निक आखिरी बार फिर पूछता है क्या तुम मेरे साथ भाग जाने को तैयार हो ना। वो कहती है कि अगर तैयार नहीं होती तो ये सब क्यों करती। फिर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो मेल से मिलने के बाद उसे उसके जेल रूम में ले जाते हैं। अब वो अपनी माँ को मिस करती है और इमेजिन करती है कि डीडी उसके साथ है। फाइनल सीन में हमें बताया जाता है कि एक साल जेल की सजा काटने के बाद जिप्सी ने कबूल कर ही लिया है कि उसने सेकेंड डिग्री मर्डर किया है। फिलहाल वो 10 साल के लिए जेल की सजा काट रही है और जेल से छूटने पर वो अपनी फैमिली शुरू करना चाहती है।
दूसरी ओर निक को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया है और उम्र कैद की सजा दी गई है। इतना ही नहीं, वो कभी प्रोल में भी बाहर नहीं आ सकता। और दोस्तों, इसी के साथ द एक्ट सीरीज का फाइनल पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारे चैनल पर आप कौन कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।